हे गाइस वेलकम। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका एडवर्टीजमेंट जो रन हो रहा था, अगर वो भी इस रीज़न की वजह से कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर पॉलिसी की वजह से अगर आपका एड डिसअप्रूव हो गया है, तो उस केस में आपको क्या स्टेप लेना है और कैसे आप अपने ऐड को फिर से अप्रूव करवा सकते हो या फिर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो, वो स्टेप मैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू सॉल्व मालिशियस सॉफ्टवेयर एड डिसअप्रूवल स्टेटस इन गूगल एड्स। चलिए, तो देखो अभी मेरे क्लाइंट्स थे जिनका ये ऐड चल रहा था, पर सडनली कुछ प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से मेरे जितने भी एड्स थे वो सारे एड्स मेरे डिसअप्रूव हो गए। डिसअप्रूव होने के पीछे सबका रीजन सेम था, मालिशियस सॉफ्टवेयर। अब अगर आप देखोगे सब में यही है, एड वॉलेट्स पॉलिसी एंड कॉन्ट्रन। मैं भी जनरली परेशान हो गया था कि ये क्या प्रॉब्लम है। देन आई आस्क द डेवलपर कि आप सी पैनल में जाके पूरी वेबसाइट को स्कैन करो, कहीं कोई मॉलवेयर अटैक तो नहीं हुआ, कोई ऐसा किसी ने हैक तो नहीं कर ली, कोई एडिशनल लिंक तो ड्रॉप नहीं कर दिया। डेवलपर चेक एंड ही सेड कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वेबसाइट वर्किंग फाइन, ऐसा कोई भी मलिशियस लिंक या फिर कोई मॉलवेयर अटैक नहीं हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप मैंने किया, यहाँ पर ऑप्शन था रीड पॉलिसी, पॉलिसी मैंने पढ़ी। पॉलिसी पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन, अगर आपके साथ भी ये इशू है जो आपको करना है, आपको कुछ नहीं करना क्योंकि गूगल का कोई डायरेक्ट सपोर्ट नहीं है, कोई डायरेक्ट कॉल्स नहीं है। कोविड की वजह से उन्होंने इनबाउंड कॉल्स क्लोज कर रखी हैं, इनबाउंड कॉल्स नहीं ले रहे हैं वो, तो उस केस में वो आउटबाउंड कॉल्स ही करते हैं। और वो आउटबाउंड कॉल्स मतलब आपके पास कॉल तब आएगी जब आप उनसे कॉन्टैक्ट करोगे। तो इस केस में इंस्टेड कि आप ज़्यादा परेशान हो, आपको क्या करना है, डायरेक्ट गूगल एड्स की सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट करना है। वो आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट पर ये इशू आया है और वो इशू को आपको कैसे रिजॉल्व करना है। तो चलो आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे यहाँ पर तो आपने इसके बारे में पूरा पढ़ लिया, अब इस चीज को लेके गूगल की टीम के साथ कैसे कॉन्टैक्ट करना है। ऊपर एक ऑप्शन है हेल्प, हेल्प वाले ऑप्शन पे आपको आना है कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस पे आपको यहाँ पर अपना इशू है वो आपको यहाँ पे अपना इशू पोस्ट करना है या फिर अपना इशू सर्च करना है। जैसे मैंने देखो पहले ही कर रखा है, तो इस केस में मैंने टाइप करा मालिशियस सॉफ्टवेयर, बिकॉज मेरा जो एड है वो मालिशियस सॉफ्टवेयर की वजह से ही डिसअप्रूव हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, मालवेयर पॉलिसी डिसअप्रूवल, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये पूरा पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आएगा नेक्स्ट स्टेप, उस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने के बाद ये नया ऑप्शन एक स्टार्ट होगा, जहां पर अभी आपसे बोला कि आप हमसे कांटेक्ट करो। कांटेक्ट करने के लिए आपको अपना जो ऐड अकाउंट है जिससे आपके ऐड डिसअप्रूव हुए हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर चलो ऐड अकाउंट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये है अपना 724 724। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये आ जाएगा ओके दिस वन। एंड देन अपने को नेक्स्ट स्टेप, ये आपसे पूछेंगे कि आपको क्या ऑप्शन चाहिए, आप चाहते हो कि आपको कॉल करें या फिर आपको मेल के ऊपर ही सॉल्यूशन मिल जाए। तो यहाँ पर सपोज मैं ईमेल चूज कर लेता हूँ, आई वांट सॉल्यूशन ऑन ईमेल। आप चाहो तो फोन भी चूज कर सकते हो, कॉल वाला ऑप्शन भी, जिससे आपको कॉल भी करेंगे। आपका नेम, आपकी ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट मेल, जो इशू है आप इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर अपलोड कर दो। एड ग्रुप नेम्स, जो आपने अगर अलग अलग एड ग्रुप्स बनाए हुए हैं उन एड ग्रुप्स का नेम आपको यहाँ पर डालना है, किस कैंपेन के अंदर ये इशू आ रहा है। देन आपको समरी, क्या इशू क्या है आपका एग्जैक्टली। तो अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ ऑल माई एड्स आर डिसअप्रूव्ड, अंडर द पॉलिसी ऑफ मैलिशियस आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस इशू हेल्प। आप अगर इतना भी टाइप करोगे तो भी दे विल कम टू नो कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई है एंड मालिशियस सॉफ्टवेयर इशू की वजह से आपके एड डिसअप्रूव हो गए हैं एंड आपको नहीं पता चलती, तो आपको वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन देंगे। अब यहाँ पर फिर से एक ऑप्शन आ गया कि आप कैसे चाहते हो गूगल आपको रिस्पॉन्ड करे, तो उस केस में ईमेल या फिर कॉल। अगर कॉल चाहिए तो अपना फ़ोन नंबर दो। फ़ोन नंबर देने के बाद अगर कोई सीसी में भी आपको किसी को रखना है, क्लाइंट है या फिर आपके मैनेजर हैं, उनको आपको रखना है, यहाँ पर उनका सीसी डालो एंड देन फाइनली सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद आपके पास कॉल आएगा,
कॉल होने के बाद वो आपके अकाउंट को पूरा स्कैन करेंगे, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है वेबसाइट पर वो देखेंगे, और वो प्रॉब्लम देखने के बाद आपका वो इशू रिजॉल्व करेंगे। अब मेरे केस में क्या हुआ कि जो ये मेरे केस में इशू आया वो एक इस पर्टिकुलर चीज की वजह से आया, जो मेरी वेबसाइट पर एक रिव्यू का ऑप्शन था, रिव्यू के ऑप्शन के नीचे मैंने स्टार रेटिंग यूज की हुई थी, तो डेवलपर ने क्या करा था कि वो किसी थर्ड वेबसाइट से ले रखी थी। तो दिखाता हूँ मैं आपको, इस टाइप से मुझे मेल आया कि जो आपकी वेबसाइट है कि एक आपकी वेबसाइट पर मलिशियस लिंक मिला है, और वो जो लिंक है वो यूजर को किसी थर्ड वेबसाइट पर लेके जा रहा है। तो इसको गूगल कंसिडर कर रहा था कि ये एक मलिशियस लिंक है कि आप यूजर को ऐड के थ्रू अपनी वेबसाइट पर लिंक करवा के किसी थर्ड वेबसाइट पर लेके जा रहे हो। तो वो क्या था, ये देखो जैसे मैंने आपको बताया, ये इस टाइप से जो रिव्यू के नीचे स्टार रेटिंग यूज करी हुई थी वो था, इसकी वजह से एड्स डिसअप्रूव हो रहे थे। मैंने फाइनली फिर डेवलपर से बात करके आज ही हटवाया है। आज हटवाने के बाद अब मैं फिर से एड्स में अपने चेंजेस करूंगा एंड देन फाइनली मैं अपने ऐड को सबमिट कर दूंगा, जो यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि आप अपने ऐड को फिर से रिसबमिट करो, फिर से आपका ऐड प्रीव्यू में जाएगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, आपकी वेबसाइट को स्कैन किया जाएगा फिर से गूगल के थ्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती तो फिर से आपके एड्स लाइव हो जाएंगे। तो गाइस इतना आसान है, अगर आपके सामने इस टाइप से कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको इस टाइप से अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। गाइस अगर आप गूगल एड्स सीखना भी चाहते हो, आपको लगता है कि गूगल एड्स में आपको मास्टरी लेनी है, तो व्हाट यू कैन डू कि आप आई नो पीपीसी का गूगल एड्स कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, आप चाहो उसमें भी अपने आप को इनरोल कर सकते हो। तो इनरोल करने के लिए लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वो आप वहां से जाकर अपने आप को इनरोल कर सकते हो, उसमें कोर्स कंटेंट भी होगा, वो कोर्स कंटेंट भी आप वहां से देख सकते हो। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सॉल्यूशन मिल गया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना एंड देन फाइनली इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे मैं आपके लिए इस टाइप से और सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकूं।